क्या मतलब है यहां पर थर्मो का और डायनेमिक्स का? व्हाट इज द मीन्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन बताएगा मुझको? कौन इसका मतलब क्या होता है थर्मो का और डायनेमिक्स का? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करें आप लोग तो चीजें उतना स्पीड से चलेगी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ थर्मो एयर? थर्मो का मतलब होता क्या है आप की जो, हाँ एग्जैक्टली, मुझे पता है कि आप लोग हीट बताएंगे इसमें। इसका यहां पर हम ताल्लुकात रखते हैं एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी से ताल्लुकात रखेंगे। और डायनेमिक का मतलब यहां पर होता है मोशन, काइनेटिक का भी मतलब होता है मोशन। तो हम थर्मोकाइनेटिक क्यों नहीं यूज बोलते हैं? थर्मोकाइनेटिक बोल दो। तो थर्मोकाइनेटिक क्यों नहीं बोलते? काइनेटिक की मतलब भी मोशन होता है। नहीं, थर्मो का मतलब इधर पे एनर्जी लेंगे, हीट नहीं लेंगे, एनर्जी की बात करेंगे हम। वो एनर्जी कोई भी हो सकती है। एंड आपको एक चीज बता दूं, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कोई एनर्जी की फॉर्म नहीं है। बताता हूं अभी आप लोगों को मोशन ऑफ हीट। ये आप लोग के जो वेरिएशन है बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर आ रहे हैं। डायनेमिक का मतलब होता है, देखो काइनेटिक के मतलब मोशन बोल सकते हो ना, फिर अगर आप मोशन की बात कर रहे हो तो फिर काइनेटिक भी बोल सकते हैं ना आप। थर्मोकाइनेटिक क्यों नहीं बोलते हैं? व्हाई वी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स? डायनेमिक का मतलब होता है बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ मोशन। यहां पर मैकेनिक्स पढ़ते हैं मोशन की, मैकेनिक्स ऑफ मोशन, नॉट ओनली मोशन। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई, आप जैसे चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, यहां पर इस साइड जाना है ना, तो इस साइड पैर कर देते हैं, तो आप इस साइड चल रहे हो, तो जब आप चल रहे हो तो ये तो हो गया मोशन। आप कैसे चल रहे हो? उछल के चल रहे हो या गोला मार मार के चल रहे हो, ठीक है, या लेट के चल रहे हो, या जो मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में पहले जाते हैं तो लेट लेट के जाते हैं, दंडवत प्रणाम टाइप, तो वैसे चल रहे हो, तो कैसे चल रहे हो आप? दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ मोशन। कि अगर आपका जब डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फिर वो मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि आप कैसे चल रहे हो, वो दंडवत प्रणाम जो है ना, वो उसको दिमाग में रख लेना आप, कि आप ना कैसे चल रहे हो, मैकेनिक्स। हाँ, जो मैकेनिक्स है दैट इज कॉल्ड बेसिकली डायनेमिक्स। अब बेसिकली जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में हम लोग देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी और कंडीशंस क्या है यहां पर। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। अब जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी हम चीज देख रहे हैं, तो वो एक जो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे हमने बात की कि हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इस रूम में, तो इस रूम में रिएक्शन कर रहे हैं, या हमने मान लिया कि इस बीकर, इस जो क्यूबिकल बॉक्स है हमारा, इस क्यूबिकल बॉक्स में कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस पे कोई ना एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा वॉल्यूम है क्यूबिकल फॉर्म में, ये हमारा कहलाएगा सिस्टम, क्योंकि हम इस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दुनिया की जो चीज कहलाएगी दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम खुद को क्या मान लेते हैं? खुद को मान लेते हैं मी, है ना, और इसके अलावा मान लेते हैं दुनिया, है ना, कि दुनिया के लोग ऐसा कहेंगे, दुनिया के लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा करूंगा तो ऐसा कहेंगे, वैसा करूंगा तो वैसा कहेंगे। तो पूरा का पूरा हमने मान लिया फिर सराउंडिंग, और खुद को क्या मान लिया? मी। मी मतलब सिस्टम। तो आप, और आप ये भी बोलते होंगे कई लोगों से, ये डायलॉग आप लोगों का कॉमन होगा, मैं दुनिया से अलग हूं, मेरी चीजें अलग हैं थोड़ा, है ना, मैं
मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता हूँ, दुनिया ऐसा करती है। तो ये ना कंपैरिजन चलता है ना, ये डायलॉग थोड़ा कॉमन है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में एक दो बार कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। देखो, खाते आप भी हो, दुनिया भी, लोग भी खाते हैं, है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें तो कॉमन है ना। दुनिया को आप ये नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर थोड़ा फिलॉसफी आ गई, इसको छोड़ते हैं। मतलब बेसिकली बात यह है कि आपको खुद को एक सिस्टम मानते हैं, और दुनिया को क्या मानते हैं, सराउंडिंग। दुनिया को क्या मानते हैं, सराउंडिंग मानते हैं। अब सराउंडिंग और खुद में एक लेयर होती है, क्या होती है, एक लेयर, एंड दैट लेयर इज बेसिकली कॉल्ड बाउंड्री। दैट लेयर इज बेसिकली कॉल्ड बाउंड्री। बात समझ में आ रही कि नहीं, दैट लेयर इज बेसिकली कॉल्ड बाउंड्री। तो ये तीन चीज हम लोगों को देखनी है। अब जो सिस्टम होता है वो ना तीन टाइप के होते हैं। यहां पर जो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स पढ़ने हैं, वो तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम सिस्टम्स देखेंगे, फिर बाउंड्री देखेंगे जो कि अपार्ट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, एंड सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द सिस्टम पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। बेसिकली ये तुम्हारे अलावा जो भी चीज दुनिया में दिखती है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, और खुद में जो आप हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम बेसिकली। तो यहां पर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारे तीन टाइप्स में हमें देखना है। तीन टाइप के हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स देखना है। पहला जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एंड द सेकेंड सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है बात इतनी? तो ओपन सिस्टम क्या होता है अभी, और क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको ना कंपेयर कर लिया करो खुद से। ओपन सिस्टम भैया हर किसी के साथ खुल गए, ठीक है, क्लोज सिस्टम मतलब ज्यादा नहीं खुल रहे, आइसोलेटेड बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम्स हो जाते हैं। तो ओपन सिस्टम्स क्या होते हैं, ओपन सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ओपन सिस्टम के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी मैंने चाय बनाई थी खुद के लिए, तो सॉस पैन में मैंने यहां पर दूध डाला, पानी में डालता नहीं हूं, अदरक डाली, चीनी डाली और चाय पत्ती डाली, ये हमारा सॉस पैन, और सॉस पैन को मैंने हीट किया, गैस चूल्हा खोल दिया, ठीक है। तो यहां पर जो चाय गर्म हुई ये हमारा सॉस पैन हो गया, सॉस पैन, चाय गर्म हुई हमारी। गर्म होने के बाद होता क्या है कि यहां से ना जो हीट एनर्जी एक्सचेंज है, ये तो हमारा सिस्टम हो गया क्योंकि हम इस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, है ना। सॉस पैन इज अ सिस्टम बेसिकली। तो इस सिस्टम पर को मैंने हीट किया, अब यहां से देखा इस सिस्टम से बेसिकली, इस पूरे सिस्टम से हमारी हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। दूसरी चीज कि गर्म होने पर मैंने देखा मैं थोड़ा कड़क चाय पीता हूं जब तक थोड़ा लाल नहीं हो जाती है, तो मैंने देखा कि जितना मैंने मटेरियल लिया था दूध दूध वगैरह वो थोड़ा सा कम हो गया। मतलब एक्सचेंज ऑफ यहां पर मास भी होता है, जो भी मिल्क में हमारा पानी पार्ट है वो इवोपरेट होगा थोड़ा, तो मास का भी एक्सचेंज होगा। जब मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम, उस सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो दोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम विच इन विच
those thermodynamic system in which in exchange of energy and mass takes place with surrounding, मतलब surrounding के साथ exchange of energy और exchange of mass होता है with surrounding. That system is called basically open system. इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो यहां पर सॉसपैन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम में. दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर क्लोज्ड सिस्टम. तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में यही, अगर सॉसपैन, अगर मैं चाहता कि मेरी, मुझे चाय उतनी ही चाहिए जितना मैंने मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसा मैं चाहता तो फिर मैं क्या करता, इस सॉस पैन पे एक प्लेट रख देता. क्या रख देता? एक प्लेट रख देता. मतलब सिस्टम मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. क्या रख देता? एक प्लेट रख देता. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर मैं प्लेट रख देता तो यहां पर होता क्या? यहां पर होता क्या कि जो बेसिकली चाय है, चाय का जो मटेरियल है, मटेरियल प्लेट के ऊपर टकराता और कंडेंस होके वापस नीचे गिर जाता. मतलब लॉस ऑफ मास नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मास नहीं होता विद सराउंडिंग. सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास नहीं होता, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज जरूर होता. तो यहां पर हम लिख सकते हैं, दोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which exchange of energy, in which only exchange of energy takes place with surrounding. Surrounding के साथ सिर्फ exchange of energy हो रही है, मतलब mass का exchange नहीं हो रहा है. बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. मतलब इसको ये अनुमति नहीं देता है कोई भी एक्सचेंज करे, कोई भी सराउंडिंग का पार्ट से ये नाता रखे. मतलब ये हमारा आइसोलेट फॉर्म में रहता है. बोल सकते हैं यहां पर सिस्टम है मिल्टन की बॉटल में आप लोग यूज कर सकते हो. इस टाइम सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए. तो मिल्टन की बॉटल में मैं क्या क्या करता हूं, रात को पानी गर्म करके रख देता हूं. सुबह इतना आलस रहता है कि कौन गरम करेगा पानी, और सुबह सुबह पीना पड़ता है थोड़ा गरम पानी. तो मैंने गरम पानी करके रख दिया, ठीक है. तो यहां पर आइसोलेट में बॉटल है, बॉटल का कैप बंद है, तो यहां पर ना ही उस गरम पानी का बेसिकली हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, और ना ही कैप लगा हुआ है तो मास एक्सचेंज भी नहीं होगा. मतलब यहां पर ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मास का एक्सचेंज हो रहा है. समझ में आ गई बात कि नहीं? यहां पर लिख लेना मिल्टन. क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब दोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम दोज
थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट, नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोल दो, नॉर एक्सचेंज ऑफ मास, नॉर एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस विथ सराउंडिंग, टेक्स प्लेस विथ सराउंडिंग। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? बोलो पागल लोगों, समझ में आ गई सबको बात? मैं आपको एक चीज बताऊं कि दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। इवन मैं भी गर्म जो पानी करता हूं रात को, तो सुबह उतना गर्म नहीं रहता, गर्म रहता है लेकिन उतना गर्म नहीं रहता। मतलब वहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, लेकिन रियल फैक्ट में देखा जाए तो उसका एक्सचेंज जो है वो स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो। लेकिन आप सोचो कि वो एक्सचेंज करेगा ही नहीं, तो करता तो है, करता तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, वो आइडियल सिस्टम कहलाएगा, जो कि आप मान के चलो कि 100% आइसोलेटेड हो। तो इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो एनी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। ये दिमाग में आप लेकर चलना। ऐसे तो फिर आप ऐसा सिस्टम खोज लो, तो आपने आज गर्म पानी किया, आप 5 साल बाद खोल रहे हो, 5 साल छोड़ो, आप 10-15 साल बाद, यानी सॉरी 10-15 दिन बाद आप देख रहे हो, तब भी आपका गर्म है वो, है ना? समझ में आ गई बात करी? तो इस तरीके से सिस्टम ऐसे तो तबाही ला देगा फिर, अगर ऐसे सिस्टम हो गया तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करें, और समझ लिया तो डन बोल दें बिल्कुल। सिस्टम समझ में आया सभी को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर बाउंड्री, बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो बाउंड्री होती क्या है? व्हाट इज बाउंड्री? जो बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग को, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली बाउंड्री। तो लिख सकते हैं यहां पर द लेयर बिटवीन, द लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, इज कॉल्ड बाउंड्री, उसको हम लोग बाउंड्री बोल देंगे। तो यहां पर जो बाउंड्री है ये दो टाइप की होती है। बाउंड्री कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो फिक्स्ड बाउंड्री होगी, फिक्स्ड बाउंड्री। दूसरा होती है मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बोल दो, फ्लेक्सिबल बोल दो, इट्स कॉल्ड मूवेबल और फ्लेक्सिबल बाउंड्री। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पार्ट आता है सराउंडिंग, सराउंडिंग। तो फिक्स्ड बाउंड्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं बीकर, है ना? बीकर, बीकर की बाउंड्री फिक्स होती है। मूवेबल बाउंड्री ले सकते हैं आप एग्जांपल बैलून, बैलून एक हमारा मूवेबल बाउंड्री है, ठीक है, मूव होती रहती है बाउंड्री इसकी। तो सराउंडिंग का बोल सकते हैं आप द रेस्ट पार्ट ऑफ, द रेस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम, द रेस्ट पार्ट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम विच इज नॉट
विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन कॉल्ड सराउंडिंग, कॉल्ड सराउंडिंग, उसको हम सराउंडिंग बोल देंगे जिसको हम ऑब्जर्वेशन में नहीं रखे, दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड सराउंडिंग। फटाफट इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे।